सुनो कविता। कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है, जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। तुम्हें प्रेम करना लक्ष्य से अधिक खुद को रास्तों में बदलते देखना है। तुम्हारी प्रतीक्षा करना घड़ी की सुइयों से कालचक्र में बदलते जाना है। फिर भी मैंने तुम्हें एक निमंत्रण पत्र लिखा जिसमें पता नहीं था, उसे सबसे नाकारा हर कार्य को थमाकर मैंने आंखें बंद कर ली। उस निमंत्रण पत्र में तुम्हारे आने की किस्तें बंद थी। तुम मेरे पास किसी बेकल खोजी की तरह आना, कल्पनाओं को हकीकत में बदलने वाले कीमियागर की शक्ल लिए, हम इतिहास के अधूरे सपनों को उन दराजों में से निकालेंगे जिसमें गुम कर दी गई सबसे पुराने विद्रोहों की कथाएं। हम विद्रोहों को डोर खोलकर आजाद कर देंगे, कल्पनाओं को भविष्य के सतरंगी चित्र में बदल देंगे। फिर तुम मेरे पास कामकाजी सोमवार की तरह आना, मैं तुम्हारी उपस्थिति बेतरतीब फाइलों में समेट लूंगी। जब तुम चले जाओगे किसी अंधेरी रात, खिड़की से आती तेज हवा बिखेर देगी प्रेम के संचिकाओं के सब पन्ने, उन्हें समेटते मैं रख दूंगी उन पर अनंत प्रतीक्षाओं का पेपरवेट। तुम गहरी नींद के सबसे उत्ताप स्वप्न की तरह आना, स्वप्न जो इतना तीक्ष्ण हो कि वितृष्णा की परतें भेद सके, और समयों के अंत तक मैं उन पर शब्दों का चंदन लपेटती रह जाऊं तुम्हारे स्पर्शों का ताप मध्यम करने के लिए। किसी दिन तुम मिलना ट्रेन के किसी लंबे सफर में, अनजान पर अपने से लगते मुसाफिर की तरह। इस दौर में भी जब भरोसे भय बन गए हैं, मैं हिम्मत करके पूछ लूंगी तुमसे कॉफी के लिए। फिर हम दुनिया के दुख सुख के जरा से साझेदार बनेंगे, जीवन भर साथ चलने के वादे जो जाया हुए, पर हम किसी सफर में कुछ घंटे साथ चलेंगे। फिर तुम ताना शाहों के मिटने की खुशनुमा खबर की तरह आना, जिससे मजलूमों के सुनहले कल की कविताई उजास छिटके। सदियों की चुप्पी तोड़कर तुम्हारे शब्द मैं अपने होठों पर रख लूं, मेरी मुस्कुराहट उसे तराश कर एक उजियारी रक्तिम सुबह में बदल दे। मैं जब अगली बार हंसूं तो वे धरती के अंतिम छोर तक बिखर जाए। तुम आना ऐसे कि हम पूरा कर सके वो सपना, जिसमें पीस देते हैं हम अपना तन क्रूरताओं की चक्की में। न हम खून से प्रेम पत्र लिखते हैं, न बृहद कथा, चक्कियों से टपकते अपने रक्त को हम आसमानों में पोत देते हैं कि उससे बना सके एक नवजात सूरज, जो भेद सके किलेबंदियों के तमाम अंधियारे। तुम आना।